हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी भी दबाएं। चांद सेरी ने लिखा है, उनकी यादों का जो पलकों पे बसेरा होगा, उनकी यादों का जो पलकों पे बसेरा होगा, जगमगाते हुए दीपों में सवेरा होगा, और जिनके जहनों में न दर है न दरीचा कोई, उनके आगे तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके फर्स्ट पेपर के लिए जो हम टेस्ट चला रहे हैं। आज हम वहाँ से बात करेंगे राजस्थान में जनसंख्या, तो जनसंख्या वाला बिंदु वहाँ से आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट सीरीज़ संख्या है 32। मैं हूँ आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सभी को शेयर करें ताकि वो भी इससे जुड़कर इसका लाभ ले सके। और नियमित रूप से आप इन टेस्ट सीरीज़ से जुड़े रहें, इन्हें हल करते रहें, परीक्षा में यकीनन आपको फ़ायदा होगा। आज जनसंख्या वाला टॉपिक है, इससे हमें पूरा विश्वास है कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पहला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में बताने आपको। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर, या सी जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर, उदयपुर, या डी जयपुर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर, अलवर। इसमें सही उत्तर है ए, घटते क्रम में। और अगर इनका प्रतिशत देखें हम तो जयपुर में है 66.26%, जोधपुर में 36.87%, अलवर में 36.74%, नागौर में 33.07% और उदयपुर में 30.68%। ये प्रतिशत भी आप ध्यान में रखें। दूसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले की रही? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या जयपुर? सही उत्तर है बी, बाड़मेर की रही, और कितनी रही? 32.5%। ठीक है, तीसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 943, 888, 919, 911? सही उत्तर है बी, 888, और देश में 24वां स्थान शिशु लिंगानुपात में राजस्थान का। चौथा प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा? सही उत्तर है ए, प्रतापगढ़। पांचवा देखिए, जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक वृद्धि दर में कमी, सर्वाधिक वृद्धि दर में कमी किस जिले में दर्ज की गई? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या जोधपुर? सही उत्तर है बी, गंगानगर में कमी दर्ज की गई, और 2001 में तो 27.54% रही थी और 2011 में घटकर ये 10% हो गई। छठा देखिए, राजस्थान में किस जिले का शिशु लिंगानुपात सबसे कम है? राजस्थान में वो जिला जिसका शिशु लिंगानुपात कम है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, कोटा? सही उत्तर है सी, झुंझुनू, मात्र 837, और जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा का है 934, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है? बाड़मेर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर? सही उत्तर है डी, जालौर। आठवां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति का 17.8%, 18.8, 17.5 या 19? सही उत्तर है ए, 17.8% तो है अनुसूचित जाति का, अगर ST का पूछ ले तो वो है 13.5%, तो वो भी आप ध्यान में रखें। और वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सभी को शेयर कर
सभी को शेयर कर दें। इतने महत्वपूर्ण और इतने कम समय में प्रश्न शायद कहीं न मिले आपको। जनसंख्या घनत्व के संबंध में असंगत है। जैसलमेर का 17, बीकानेर का 96, बाड़मेर का 92, जोधपुर का 161, असंगत बताना है। सही उत्तर है बी, बीकानेर का 96 नहीं है, ये यहाँ पर असंगत है। बीकानेर का जो घनत्व है वो है 78, ठीक है। 10 नंबर, जनसंख्या 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संबंध में गलत है। डूंगरपुर का 994, धौलपुर का 896, राजसमंद का 989, जैसलमेर का 852। तो सही उत्तर है बी, धौलपुर 896, ये यहाँ पर धौलपुर 896 ये यहाँ पर गलत है। धौलपुर का 846 जो कि न्यूनतम है, और डूंगरपुर का जो 994 है वो है सर्वाधिक। 11वां प्रश्न, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर। सही उत्तर है ए, पाली, जिसका है 1003। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गलत है। तो प्रदेश की कुल साक्षरता प्रतिशत 66.1, बिल्कुल सही है ये। तो पुरुष साक्षरता प्रतिशत 79.2, ये भी सही है। और तीसरा है महिला साक्षरता प्रतिशत 53.2, तो यहाँ पर इसमें ये विकल्प गलत है। महिला साक्षरता प्रतिशत जो है वो अपने 52.1 है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत 61.4, ये बिल्कुल सही। 13 नंबर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? जालौर, कोटा, हनुमानगढ़, झुंझुनू। सही उत्तर है बी, कोटा। अगला देखिए, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है? झुंझुनू, उदयपुर, कोटा, जयपुर। तो सही उत्तर है इसके अंदर हमारा ए, पुरुष साक्षरता झुंझुनू। 15 नंबर देखिए, प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75.1, 74.1, 73.1, 72.1। सही उत्तर है ए, 75.1 है ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश में। 16 नंबर, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है? उदयपुर, जालौर, सिरोही, सवाई माधोपुर। सही उत्तर है सी, सिरोही। और प्रतिशत की बात करें तो 49.0%। 18 नंबर देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग की आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले में है, ये बताना है आपको। जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जोधपुर में। सही उत्तर है ए, जैसलमेर में 19.47%। जो साथ साथ में तथ्य बताए जा रहे हैं इनको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इन प्रश्नों से शायद ही जनसंख्या से संबंधित कोई प्रश्न बाहर जाए। 19 नंबर है, केंद्र सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में किन जिलों की प्रजनन दर 4% से ज़्यादा है? पहला विकल्प है बाड़मेर और धौलपुर। यहाँ पर जोधपुर मिसटाइप हो गया, तो आपको ध्यान में रखना है बाड़मेर और धौलपुर, जैसलमेर और बीकानेर, सीकर और नागौर, कोटा और बारा। सही विकल्प है ए, बाड़मेर और धौलपुर होगा यहाँ पे। 20वां प्रश्न, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। 2001 से 2011 के दशक में, इन 10 वर्षों में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? इस प्रश्न के उत्तर का आप कमेंट में करें, और टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सभी जगह शेयर करें दोस्तों। इसे फेसबुक, व्हाट्सअप, जितने भी आपके ग्रुप है, लगभग 700-800 लोग देख लेते हैं एक दिन के अंदर। तो 700 में से आप 500 लोग भी शेयर करोगे तो 500 लोगों में से एक एक लोग भी जुड़ेंगे तो काफ़ी लोग जुड़ेंगे और काफ़ी की मदद हो पाएगी। अगला जो टॉपिक होगा हमारा इसके अंदर वो है खनिज संसाधन, तो उसके लिए भी आप तैयार हैं।